वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं अभी आपको वेलकम कर रहा हूँ दिरांग से। दिरांग एक छोटा सा टाउन है, अच्छा है लेकिन बहुत क्यूट से है, सिर्फ रास्ता बहुत छोटा है। एंड मैं अभी निकल रहा हूँ तावंग के लिए। हम अभी तावंग जाते समय हम जांग वाटरफॉल्स एंड सेला लेक को देख के जाएंगे। उसके बाद आज का ये ब्लॉग रहेगा जिस तावंग का आज का दिन का, क्योंकि मैं डेली ब्लॉग्स दे रहा हूँ, ये ट्रिप का डेली ब्लॉग्स। तो देखते हैं ये जंग वाटरफॉल्स और सेला लेक मुझे कितना इम्प्रेस कर पाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत देखा है यूट्यूब में, अभी मैं खुद जा रहा हूँ, कितना मैं खुद इम्प्रेस होता हूँ वो सबसे, वही मेरा एक्साइटमेंट है देखने के लिए। तो मेरा साथ अभी यही बहन है, भाई है और दीदी है और एक दोस्त है। तो अभी चलते हम लोग, और यहाँ पर हम लोग बैठे थे होटल नॉर्बुलिंग, जो कि मेरा दोस्त ने मुझे बुक कर दिया था। रिंचिन थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना हेल्प कर दिया था, थैंक यू। तो अभी चलिए निकलते हैं। हम लोग अभी सेला टॉप उठ रहा है और इतना ठंडा है, मतलब अभी जो है पूरा विंटर का ही पूरा ये हो रहा है, सौर उठ के जा रहा है, गाड़ी पूरा लॉक है, फिर भी ठंडा है। और रास्ता छोटा है, छोटा मोटे नहीं है लेकिन इतना बड़ा तो नहीं है, काफ़ी है यहाँ के लिए पहाड़ है, लेकिन इतना फॉग है उसमें। तो ड्राइविंग में भी हम लोग को फर्स्ट टाइम जा रहे थे, प्रॉब्लम तो हो रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, इतना ऊपर है लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि फॉग क्यों आ रहे हो। अभी आशा करते हैं कि सेला टॉप में अच्छा वेदर मिले और जाम में अच्छा हो। तो जा रहा है, मिलते हैं अभी सेला टॉप में। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन अभी सेला तो पहुंचने 7 किलोमीटर है, उसमें हमको बर्फ मिल रहा है अभी। अरे नाम लो, एक्साइटमेंट को थोड़ा कर लेगा। ओह माय गॉड, वैसे ना हमने पहले भी बर्फ वाला तो हम गैंगटॉक में देखा रहा मतलब ना, लेकिन यहाँ पर भी वही एक्साइटमेंट हो रहा है। अयो इतना अनएक्सपेक्टेड, कल रात गिरा होगा, कल रात अयो आगे ना सर वांग तो बर्फ तो मिलेगा ना अभी। चबी ओह माय गॉड, फॉग नहीं होने से पूरा व्यू बहुत सुंदर आना था, लेकिन ये फॉग ने पूरा दिमाग ही खराब कर दिया। लेकिन कल रात बारिश तावंग में बहुत दिए होते, तो शायद इसका वजह से यहाँ पर बर्फ जम गया, मतलब बर्फ गिरा है। ये वाइल्ड फ्लावर्स जो है चारों तरफ है, ये क्या है? चमा तुम स्किड हो गए। ये भरोसा इसलिए कि ना ये रास्ता खराब बैठो, बर्फ नहीं मिलेगा। ये जो है क्या लेक, जो लेक स्नो गिर रहे हो, माय गॉड लेक यहाँ में, लेकिन इतना फॉग है कि कुछ क्लियरली तो कुछ, हाँ मेरा वो इसमें होगा, लेकिन चश्मा था हमको भी पहनने पड़ता। हाँ एक तो बैग का अंदर में ना, फिर वो तो पीछे में है। हाँ ये फॉग कैसे आगे चम्मी नुकसान कौन ले। Oh shit! Oh my god! ये बर्फ ना मतलब क्या बोलेगा? Oh my god! Tashi the lake, welcome. अगर फॉग नहीं होने से क्या नजारा होना था हम बता नहीं सकते, लेकिन बोलो बहुत सुंदर है। और हमारा टीम यहाँ पर कुछ फोटोशूट चल रहा है खुद का ही।
सब गिर रहे गिर रहे ले लेना है जैसे भी हो इधर आने से क्लियर हो रहा है अभी. ओ माय गॉड चाबी यहाँ में एक बार देखो तो कैसा लग रहा है. बहुत बढ़िया. क्या फीलिंग हो रहा है. हम रोने मत हो रहे. खुशी खुशी कैसे निकल. वही तो ना. वही कैसा लग रहा है. रास्ता कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा. कैसा लग रहा है. कॉमन है मेरे. और ये सबसे ठंडा वाला तो ये बैठा यार. लेकिन जितना बार भी घूमो देखो कम है. आप लोग देख सकता है कुछ इस तरह सेला टॉप से हम लोग नामते हुए. बर्फ भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है अभी. मतलब जितना सेला टॉप में है जितना सेला टॉप में बर्फ था उतना तो अभी धीरे धीरे जा रहा है. अभी हम लोग जंग वाटर फॉल्स की ओर बढ़ रहे हैं. इसके लिए आया था. हम लोग का टीम तो जो है याक देख के भी खुश हो रहा है. क्या कहेगा अभी. याक एंड शिप्स को देख के. फिल्मी हो. ये तो फिल्मी है. फिल्मी है. फिल्मी व्यू है. हमको क्या पता. कैप्चर ही नहीं कर पाए. जो ब्यूटी है वो फोन में दिखाई ही नहीं दे रहा. अभी हम लोग जंग वाटर फॉल्स पहुँच गया है. ये जो टिकट काटने वाला टिकट है वो बहुत अच्छा था. उसने हम लोग को बताया कि जंग वाटर फॉल्स तो बस ऐसे ही है. असली नाम इसका फोंग फोंग ऐसा कुछ था वाटर फॉल्स. तो वो दीदी बहुत अच्छा से टिकट देते समय बताए. तो अभी हम लोग पहुँचने वाला है. अभी जस्ट गाड़ी पार्किंग कर रहे हैं तो अभी हम लोग जाएंगे. और मेरा गला थोड़ा ख़राब हुआ है क्योंकि जब सेला पास में था तो वहाँ पर बहुत ठंडा था. बर्फ गिरा था तो उसके जस्ट थोड़ा नाम है तो फिर गर्म हो गया था ना. अप डाउन कभी हाई कभी लो गर्म जब. तो अभी हाँ इसको देखने काफ़ी एक्साइटेड है. फिर तावंग जो ये चीज़ मैंने नोटिस किया कि मतलब टूरिस्ट तो धमाधम मत ही बोलो यहाँ पर. टूरिस्ट है यहाँ पर. आप लोग देख सकते हैं कि पूरा ये भी पार्किंग भी भरती. फिर तो अभी हम लोग फोंग फोंग मा वाटरफॉल्स देखने जा रहा है जो कि नॉर्मली इसको जाना जाता है जंग वाटरफॉल्स. तो हम लोग के साथ ये हुआ कि हम लोग जंग वाटरफॉल्स बोल के ढूंढ रहा था लेकिन लास्ट में
मुरंग वाटरफॉल्स, इंटरनेट में क्या मुरंग वाटरफॉल्स होते था ना, ऐसे कुछ लिखे था क्या? तो हम लोग को मतलब जब गूगल गूगल में ढूंढ रहा था तो गूगल मैप में तो मुरंग वाटरफॉल्स बोलते मिला है, लेकिन दीदी ने बताया कि इसका असली नाम है फोंग फोंग मा वाटरफॉल्स। तो अच्छा लगा हमको ये चीज़ जान गए। तो अभी हम लोग पहुँच ही गए फोंग फोंग मा वाटरफॉल्स। क्या ओह माय गॉड, ओह या वालों अच्छा बोल लेकिन जितना बर्ड का एक्साइटमेंट है उतना तो नहीं है ना यहाँ पे बर्ड का एक्साइटमेंट जितना तो नहीं है ना वहाँ है। नहीं हमको तो है हाँ यूनिक तो है ना वो तो सब जगह से जुड़ते जंग फोंग फोंग मा वाटरफॉल्स कैसा लगा है थोड़ा बताइए। बहुत बढ़िया, बर्फ भी बढ़िया, बर्फ ज्यादा अच्छा था ना फोंग फोंग मा वाटरफॉल्स फोंग फोंग मा। लेकिन यहाँ भी वाइल्ड फ्लावर्स एक्सपेक्ट किया था नहीं है। हाँ वो भी है, रास्ता में था लेकिन बहुत फॉगी होने की वजह से देखने नहीं मिला, जाते समय देखेगा ना। मेरे लिए तो दोनों ही बराबर, पूरा 50-50 मार्क्स मिल गया दोनों को। हम लोग फाइनली तवांग पहुंच गया है और ये जो और एक चीज़ मैंने नोटिस किया यहाँ पर इतना सारा वाइल्ड फ्लावर्स है, जहाँ में भी आप देख सकते हैं हर जगह मतलब फूल ही फूल। और सब लोग बोला था तवांग रास्ता बहुत ख़राब है, लेकिन हमको इतना ख़राब नहीं लगा है, मतलब स्पेशली दिरांग टू तवांग जो हमको ठीक ठाक ही लगा है। हाँ कुछ पास था लेकिन उतना तो चल जाएगा। तेजपुर से तवांग थोड़ा प्रॉब्लम था लेकिन पहुंच गया है और ठंडा है यहाँ में, मई में भी बहुत ठंडा है। और अभी हम लोग जाएंगे तवांग मोनेस्ट्री एंड मार्केट थोड़ा घूम लेंगे, उसके बाद ही हम टूरिस्ट लॉन्च जाएंगे। हम लोग का टूरिस्ट लॉन्च भी एक तो दोस्त ने, मेरा भाई का दोस्त ने बुक कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कल हम लोग को जाना है गुमला पास एंड माधुरी लेक, और शायद परसों कल निकल जाएंगे। तो आज का ब्लॉग अभी हम लोग तवांग मोनेस्ट्री को देखने जाएंगे। हम लोग का जो तेजपुर से जो सपना था टायर चेंज करने का, वो हम लोग तवांग में चेंज कर रहे हैं। हम लोग इतना रिस्की में आए, मतलब टायर कुछ जो दो टायर जो है थोड़ा सा ये हो गया था, ख़त्म हो गया था, तो फाइनली हम लोग का अभी टायर चेंज कर रहा है। तेजपुर से हम लोग चेंज करेगा ओके था, लेकिन तेजपुर में भी संडे था तो बंद था, देन दिरांग में तो मिला ही नहीं। अभी तवांग में चेंज कर रहे तो अभी थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। और यहाँ पर कुछ ये दोनों जो है तवांग का वाइल्ड फ्लावर्स के साथ फोटोशूट चल रहा है।
हेलो एवरीवन, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग फाइनली पहुंच गया है तावांग मोनेस्ट्री, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट ना एशिया में सबसे बड़ा में जाना जाता है तावांग मोनेस्ट्री। तो आइए देखते हैं कितना बड़ा है, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत समय से मुझे मतलब यहाँ पे आने का मन था, लेकिन आज फाइनली मुझे मिला है यहाँ आने का। तो इस तरह है आगे का व्यू, चल देखते हैं आगे में क्या मिलेगा। फॉग का वजह से जो है टाउन का सुंदरता तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ नहीं, हम लोग ऐसा समय में आया है कि फॉग तो होना ही था। अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत एक चीज़ ये है कि हम लोग कभी कभी बहुत सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन ये बार आ ही गया, सब कुछ अच्छा लग रहा है भगवान की कृपा से। मतलब बहुत अच्छा से हम लोग अच्छा से पहुंच गया ये तावांग भी, बहुत इजीली, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया भगवान को भी। तो कुछ इस तरह है यहाँ पे, nâng hạ nâng ngay nâng nghề thằng ấy nâng nổ thì nhiên thằng ấy nâng thì nhiên thì chết nhỉ. Đây chứ bằng bát bằng nàng em gì हमारा टीम काफी एक्साइटेड। तावांग दिरंग का स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर बहुत सारा फूल है। इतना फूल देखा समझ में नहीं है कि फूल है ना जंगल है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फूल दिखाई दिए, पूरा रास्ता में फूल ही फूल। तो कितने चाहिए तो हम अभी यहाँ घुसेंगे। Wooden marks of the war god.
अच्छा मां ये हमें अचीव हो गया ढाका नहीं तो Come on, chim chim to. तो ये जो है सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज तो कुछ इस तरह बहुत सुंदर ये भी और एक फनी बात ये हो गया कि हम लोग को एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा कि एंट्रेंस किस तरह है जो गेट है वहाँ से उठ के है ना हम लोग को नीचे से रास्ता मिला है तो वहाँ से गया है तो पीछे तरफ से पीछे है ना वो फ्रंट है समझ में नहीं आया क्योंकि बहुत लोग ऐसे ही कन्फ्यूज़ होते हैं तो जब हम लोग पीछे तरफ से आए तो म्यूज़ियम भी था गेट भी मिला है तो पता नहीं वही एंट्रेंस है ना वो बैक साइड से है तो और हम लोग से मैं दूसरा टूरिस्ट भी ऐसे ही कंफ्यूज होके मिला है लाइब्रेरी भी है दे यहाँ पे लाइब्रेरी है नहीं उससे निकल के रास्ता डायरेक्ट सीधा शायद हो सकते हैं अभी जो गई हो संगा और गीत से मंगला अगर इंस्टीट्यूट नहीं आ गए गए सगा तो ये रेसिडेंशियल एरिया ये मेरा लामा कम्युनिटी हेल्थ हेल्थ केयर सेंटर तवांग मोनेस्ट्री सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर स्टडीज लाइब्रेरी है ये लाइब्रेरी तो हम लोग जहाँ से घुसा था पीछे तरफ से वही एंट्रेंस है मतलब यहाँ से भी जा सकता है लेकिन आप लोग गाड़ी लेके आना चाहते तो आप जब तवांग मोनेस्ट्री का जो एंट्रेंस मिलेगा वहाँ से पीछे तरफ डायरेक्ट गाड़ी रास्ता से मिलेंगे वहाँ से चला जाइए वहाँ जाके गेट मिलेंगे और उसके सामने में ही म्यूज़ियम वगैरह है और उसके सामने में आपको गोम्पा भी मिलेंगे मतलब प्रे करने वाला एक था मतलब मोनेस्ट्री तो वहाँ पर भी आप वही है एग्जैक्टली मेन अगर एंट्रेंस में शायद नहीं होता होगा तो सही रास्ता से हम लोग गया है क्या चीज देख रहे हैं ओ तो ना
इंगे लेग आंठे को मान मैं स्टेटस हम पाइन ट्रिपल पी रहे हैं लोक ल पी रहे शुगर डी ओके दी तो अभी जो है हम लोग टूरिस्ट लॉन्च पहुंच गया जितना भी ये लोग बहुत सारा मार्केटिंग किया है कल बुमला पास ये कल हम लोग जाने वाला जी बुमला पास जाने के लिए ठंडा लगेगा बर्फ है सुन के हम लोग जो है पूरा ये किया है जैकेट वैकेट लिया है तो अभी हम टूरिस्ट लॉन्च पहुंचा है और बहुत थैंकफुल है ये मेरा भाई का दोस्त को कि उन्होंने जो है टूरिस्ट लॉन्च भी बुक कर दिया और अभी हम लोग रूम की ओर चलेंगे बहुत शौक है लेकिन कुछ भी तवंग का सुंदरता को हम दिखा नहीं पाए क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत फॉग ऑफ फॉग से है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और ये और टूरिस्ट लॉन्च जो है जस्ट बहुत अच्छा है मार्केट नीचे में है उसका सामने में है तो हम लोग अभी अपना रूम देखते हैं टूरिस्ट लॉन्च तावंग मौंगा नोल बात जी कुछ नहीं मेरा पूरा नाक बंद हो गया ठंडा गर्म ठंडा पर ठंडा ये लेडीज पार्टी और ये हम लोग का रूम देखते हैं कैसा है वाओ ये है टूरिस्ट लॉन्च कुछ इस तरह है और मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो है ऊपर में उठ के भी है तो देखते हैं यहाँ पर क्या चीज है ओके यहाँ पर भी एक बेड है और यहाँ पर एक बेड और ये हम लोग का रूम है कुछ इस तरह टूरिस्ट लॉन्च तावंग और मुझे एक चीज इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है जो कि है ये शायद ऊपर में भी एक बिस्तर है अरे वाह काफी क्यूट है अच्छा लग रहा था क्योंकि नीचे में एक बेड है ये शायद मीडियम है और यहाँ पर भी एक है तो अच्छा खासा हम लोग तीन जन आराम से जुड़ जाएंगे तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा आज का जो भी मेरा दिरांग से लेके तावंग का ट्रिप था वो काफी इंटरेस्टिंग था काफी एडवेंचरस था सबसे पहले क्योंकि हम लोग जब दिरांग से आ रहा था तो हम लोग सेला टॉप में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वहां पर बर्फ मिलेगी लेकिन वहां पर बर्फ मिला गिरा भी है तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा है तो उसके बाद नीचे जब हम लोग सेला टॉप से जब जंग और जा रहा था तो फिर वहाँ पर जंग वहाँ तक पहुँचे बहुत सुंदर था मतलब वहाँ पर बर्फ गिर के था बारिश मतलब बर्फ जो था लेकिन जब नीचे नाम है तो फिर धूप मिला है तो हम लोग बहुत लकी फील हुआ इस चीज़ के लिए और हम लोग यहाँ पर जो है तावंग में टू ऐसा में पहुँच गया था तो उसका हम लोग थोड़ा टायर बनाया है टायर बना के हम लोग अभी उसके बाद तावंग मोनेस्ट्री गए तो काफ़ी अच्छा रहा है और हम लोग अभी टूरिस्ट लॉज में बैठा है आप लोग को मैंने दिखा दिया था टूरिस्ट लॉज तो मैं स्पेशली इसके लिए जो मेरा भाई का दोस्त है ताशी जी उसको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इतना जल्दी में आपने हमारे लिए ये रूम बुक कर दिया टूरिस्ट लॉज जो कि बहुत अच्छा है और मेरा दोस्त शिरीन को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँ क्योंकि वो बार बार आपको अपडेट पूछ रहा था कि आप कहाँ में है कैसा है तो बहुत अच्छा लगा ये चीज़ जो और हम अभी नहाया तावंग में मतलब आके नहीं नहा के अच्छा नहीं लगा लेकिन नहाए तो चिल है लेकिन हम माथा में जब पानी डाल रहा था तो बहुत अलग से था दो मतलब गीजर है लेकिन हम जल्दी नहा लिया था तो ठंडा लगा है लेकिन अच्छा है बहुत फ्रेश है सब कुछ बस वही है कि यहाँ में आया तो फॉग मिले बहुत सारा तो फॉग को ऐसे हम लोग को व्यू जो इतना ठीक से दिखाए तो नहीं मिल पा रहा था और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा हम लोग जैसे कि घर से जब निकला था तो दोस्तों बोला था कि यहाँ पर बर्फ अभी नहीं मिलेगा
तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ठंडा होगा। तो कल हम लोग बुमला पास और माधुरी लेक जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर फिर थोड़ा शॉपिंग करना पड़ा है, क्योंकि गर्म कपड़ा हम नॉर्मल जैकेट वगैरह लेके आए, लेकिन और भी वहाँ पर ठंडा होगा सोच के पानी लेना पड़ा है। तो हम लोग थोड़ा मतलब ये तावंग मॉनेस्ट्री को देख के थोड़ा मार्केटिंग भी कर लिया, उसके बाद यहाँ पर पहुँचा है। और ये लॉन्च बहुत अच्छा है, मतलब मार्केट के बहुत सामने में है, तो वो चीज़ भी आप लोग अगर आना चाहता है तो बहुत अच्छा है। ये टूरिस्ट लॉन्च है, गवर्नमेंट टूरिस्ट लॉन्च, मतलब ये बहुत सामने मार्केट के सामने में। तो चलिए, बहुत हो गया, बहुत लंबा हो सकता है ये ब्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और आप चैनल में नया आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर नुक्ते बांचो यहाँ का सब चीज़ दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं मेरा वीडियोस बहुत सारा है, आप वहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं देख के। तो टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।